पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दास कोई भिखारी नहीं था, परमात्मा का दिया हुआ दो रोटी भी थी। जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, सेठ नहीं था तो भूखा भी नहीं रहता था। लेकिन मालिक का आदेश हुआ और परमात्मा का आदेश सिरोधार्य हुआ, इसके बाद इस कार्य का प्रारंभ मालिक ने करवाया, दास कर रहा है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यदि यहाँ आओगे सारी बुराई छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। पुणात्मा उस जीव से नहीं छूटेगी बुराई, परमात्मा आपका साथ देगा, अवश्य देगा, आप देखना। आपको बीड़ी से तंबाकू से दूसरा पीवेगा तो भी नफरत हो जाएगी आपको, इतनी कृपा हो जाएगी परमात्मा की आप पर। आपको नुकसान करने लग जाएगा फिर वो तंबाकू आप छुओ भी नहीं। अब प्रसंग चल रहा है कि प्रेम की पवन करे चितबंधन धल कह तेज नारे। अब प्रेम की पवन जब परमात्मा के सही आपके ऊपर रगड़े लगेंगे, ज्ञान के, भक्ति के, सुमरण के, फिर दान करोगे, फिर अंतःकरण साफ हो जाएगा, आप में प्यार जागृत होगा। और जो साधना आप अन्य कर रहे थे उनसे प्यार जागृत नहीं होता, बल्कि द्वेष हो रहा। जितने भी संत हैं आपस में यूं आप किसी तो कर ले, जो कितने मंडलेश्वर जब कदे आपने कट्ठे बैठे देखे हो, तो ये जिनके चैनल चले हैं, चैनल टीवी चैनलों पर ये रोज दुनिया ने प्रचार करते हैं, ये कट्ठे होंदे लड़े, क्योंकि सारे के मार्ग न्यारे न्यारे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो उसकी निंदा कर रहा है, उसकी वो सचमुच निंदा कर रहे हैं और दास केवल यथार्थ बता रहा है। तो साधु संतता इकट्ठे होने चाहिए, अगर वो संत हैं एक दूसरे से विरोध नहीं होना चाहिए उनको, और सब ने मिलकर, मान लीजिए दास जो ज्ञान बता रहा है और किसी को इस पर आपत्ति है, वैसे तो आपत्ति दास छोड़ता है को नहीं, क्योंकि साथ लालटेन दिखा देता है ये टॉर्च कि आप ये बोल रहे हो श्रीमान जी, आपकी ये पुस्तक है, आपने लिखा है और हमारे वेद ये बता रहे, तो उसकी जुबान पर टेप लग जाती है, वो बोल सकता नहीं, हिल सकता नहीं, फिर वो बकवाद करता है, वो तो गुंडा है, झूठा है, उसकी बातें मत सुनना है, वो तो निंदा करता है, और क्या बोलेगा फिर, यही बोलेगा। अरे एक बात तो बता, जो तेरी निंदा करी हो, तुझे गुंडा कहा हो, तू चोर कहा हो या ठग कहा हो, तेरे ज्ञान मत रोटी ढूंढी है, वो वेदों से कंपेयर की है, सदग्रंथों से कंपेयर, इतना किया दास ने। तो एक दिन आएगा इन सभी ने सरेंडर करना पड़ेगा जनता के सामने, ये स्वीकार करेंगे हमारा ज्ञान गलत है, अगर ये संत होंगे, ये तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान कबीर जी ने अभी तक छुपाने का आदेश दे रखा था, और लाख दुहाई कह रखी थी धर्मदास, तो ये लाख दुहाई, यो तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान की तो बार ना जाए, और ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितरी, अगर ये ज्ञान आम कबीर पंथी को भी होता और उसके पास नाम देने का अधिकार नहीं होता, तो हम कैसे समझाते कि हम ठीक बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। ये सारे तक कबीरपंथियों के मुंह बंद हो जाएंगे, और सारे ये नकली पंथी जो और हैं उनके, और साथ में जो हिंदू धर्म को मिसगाइड कर रहे हैं
और अन्य ये संत इनको मूर्ख बना रहे हैं, इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे क्योंकि ये सदग्रंथ था तुम्हारे साथ हैं, ये बोल रहे। तो ये मूल ज्ञान छुपा कर रखा था परमात्मा ने अपनी सोषम वेद में, और आज दास आपको सुना रहा है और इनमें प्रकट दिखा रहा है अपने सदग्रंथों में। तो फिर संशय रहेगा ही नहीं, तो अपने आप पहचानोगे, आपने तो भगवान चाहिए, आपने परमात्मा चाहिए है और परमात्मा मिलने जा रहा है। फिर आना कहानी किसी पुण्यात्मा पीछा नहीं हट्या करते, छोड़ देंगे सब कुछ को, चाहे को किसा महंत संत बने हो, वो तो नकली सांग है, आप भी नरक में जाकर आपको भी ले जाएगा। अब देखो इन तीनों का ब्याह हुआ कराया दुर्गा ने, यही देवी पुराण चल रहा है। ये देखिएगा, ये है तीसरा स्कंद, तीसरा स्कंद और पृष्ठ नंबर ये 126 या नीचे देखिएगा। ब्रह्मा जी इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूं, ये दुर्गा बोल रही है। और फिर क्या कहती है, ब्रह्मा जी इस शक्ति को तुम अपनी सत्री बनाओ, यह अनुपमा सुंदरी है, इसका मुख सदा मुस्कान से भरा रहता है, महासरस्वती नाम से विख्यात इस श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्यमान हैं। अब यहाँ इस अनुवादकर्ता ने ऐसा किया है, जबकि यहाँ सावित्री होना चाहिए। इसका दिव्य शरीर स्वच्छ वस्त्रों से सुशोभित है, यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी, इस प्रेयसी भारिया को भी मेरी ही विभूति समझकर आदर की दृष्टि से देखना। आगे देखो, अब तीसरा स्कंद ये चल रहा है और प्रश्न नंबर 128 पे, इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर वंदना भगवती, प्रसन्न वंदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर तुम भी पधारो यानी जाओ, और यह सदा तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहेगी, तेरी छाती में बैठी रहेगी। नू कह, आगे देखो, तुम इस लक्ष्मी के साथ सदा आनंद करना, रामाकांत पहला बाग बीज है, दूसरा काम बीज किलम, तीसरा बाद माया बीज हरियम, ये मेरे मंत्र हैं। अब देखो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, अरदास आपको ये परमात्मा ने दिए हुए सत्य यानी सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान है उसमें से ये मंत्र आपको दिए जाते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट मंत्र हैं और सारे ही कंप्लीट हैं। इन की तय सिर की तय पैर, किसी की टांग, किसी का कुछ ईंट कहीं का रोड़ा। आगे कहते हैं कि भक्ति और मुक्ति देने वाले इन मंत्रों को सदा स्मरण रखना चाहिए, ऊपर जो बोले हैं। कल्याणकारी इच्छा करने वाले पुरुष ओम इस पर्वण के साथ मंत्र जप करें, पुरुषोत्तम तुम वैकुंठ की रचना करके वहीं विराजमान रहो। अपुणात्मा जो दास आपको पहला मंत्र देता है वो पांच नाम, इसमें से दो नाम इसने स्पष्ट किए हैं, लेकिन कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। फिर कहते तेरा कल्याण हो, ओम नाम जपले जतन कल्याण चाहिए, और ये सहयोगी मंत्र हैं, ये मोक्ष के अकेले इनसे मोक्ष नहीं, ये सहयोगी मंत्र हैं। जैसे रोग काटने के लिए ग्लूकोस अलग है, ग्लूकोस रोग नहीं काटती, वो सहयोग देती है शरीर को स्वस्थ बनाने में, लेकिन रोग काटने की औषधि न्यारी होती है। आगे देखो, देवी ने कहा, शंकर मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे पत्नी बनाओ, पत्नी रूप से स्वीकार करो, कैलाश की रचना करके वहीं रहो और इसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो, तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी। अब ये क्लियर हो गया पुण्यात्माओं, जो परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले जो कथा सुनाई थी, जो ज्ञान दिया था अपने सूक्ष्म वेद में, सूक्ष्म वेद में यानी सचिदानंद घन की वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में, वो 100% सत प्रतिशत सत्य है। और आज हमारे सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं,
उसका समर्थन कर रही है। भले ही इन सदग्रंथों में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, फिर भी कबीर परमेश्वर से सुना हुआ ये ब्रह्मा जी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत हिंट दे ही रहा है। अब दास आपको दिखाएगा श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें तीनों देवताओं ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति स्पष्ट होती है। एक बार फिर कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, फिर ये पवित्र गीता आपके समझ में आएगी। और देवी पुराण में स्पष्ट किया है और शिव पुराण में स्पष्ट किया है कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पवित्र चारों वेदों का सारांश है और चारों वेद इतने मोटे मोटे हैं जिसमें 18,000 कुछ मंत्र हैं और गीता जी में केवल 700 मंत्र हैं, तो 18,000 मंत्रों को 700 मंत्रों में लाना उसके लिए कोड वर्ड सांकेतिक शब्द ज़्यादा हैं। इसलिए 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया है कि तत्वदर्शी संत ही पूरा ज्ञान इसको खोल कर समझाओगा गीता जी को, और तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के जड़ से लेकर तना डार और शाखाओं को भिन्न भिन्न बता देगा। तो परमेश्वर कबीर जी ने ही आकर यह भूमिका की थी तत्वदर्शी संत की, और उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा था, कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार, और जड़ है वो कौन है, वो अलग है, वो परमात्मा है, बाहर जो तुम्हें दिखाई देते हैं ये ऐसी स्थिति है। तो ये बताया है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के भिन्न भिन्न बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। और 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर। तो यहां तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। तो यहां देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत अथ देवी भागवतम भाषा टीका युक्ते सहमातम सहमातम, और खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। इसके तीसरे सकंद में आपको दिखाते हैं रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम समझ नहीं सकते, कोई भी मार्ग किसी प्रकार का भी हम नहीं समझ सकते। ये देखिएगा अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। ये देखिएगा देवी भागवत पृष्ठ 11 पे है इसके, और तृतीय स्कंद भाषा टीका युक्त तृतीय स्कंद और अध्याय 5 के मंत्र नंबर 8 में, 7 समाप्त हुआ 8 में भगवान शंकर कह रहा है कि हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया ब्रह्मा, रजोगुण और हरि सतोगुण, अब संस्कृत देखो, क्योंकि संस्कृत भी साफ है इसलिए ये गड़बड़ नहीं कर सके, सच्चाई लिखनी पड़ी अनुवादकर्ता ने। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित चय, शंकर जी कह रहे हैं कि यदि माता तू हमारे पर दयालु है, हमें कहती है मैं तुम्हारे पर बहुत दयालु हूँ, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, तो इसे कुकर्म में क्यों ला दिए हम, मैं रजोगुण क्यों बना दिया, तमोगुण क्यों बना दिया, कितने जीव मरे मेरे कारण, और ब्रह्मा जी को रजगुण क्यों बना दिया, सब विवश होकर के संतान उत्पत्ति करते हैं प्रभाव से, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया, ये एक दूसरे में फंसे रहते हैं नकली सांग में, झूठे बेटा बेटी, आज मर जा कल कौन किसका, अरे जब तक ये हैं तब तक हम इनके बिना रह नहीं सकते, ये सतोगुण के दबाव में हम ऐसे यहाँ मूर्ख बने हुए हैं। शंकर जी रोते हुए कह रहे हैं अपनी माँ से, दुर्गा से, और दुर्गा साची बताती नहीं, एंड वेंड करे न बनाए रखे कि कहीं इनको सच्चाई का पता लग जाए, ये कार्य छोड़ दें। ये देखो अब कहते हैं भगवान शंकर कह रहे हैं यदि दया धर्मना न सदा अंबिके,
कथम अहम विहित च, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव क्यों बना दिया, और सुहित किमु सतोगुण हरि, हरि को सतो विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया, किस लिए बना फिर हमारे को रजगुण तमगुण सतगुण। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये आपने शिव पुराण के रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 6 में स्पष्ट देख लिया। आप देखिए इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति श्रीमद् भगवत गीता, नोट भागवत, ये देखिएगा, क्योंकि भागवत सुधा सागर को कहते हैं ये लोग। श्रीमद् भगवत गीता जयाल गोविंद का इसका अनुवादक है, और 14वां अध्याय मंत्र श्लोक नंबर 3, 4, 5 में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए अध्याय 14, 3 श्लोक को हम पढ़ कर सुनाते मंत्र को। हे अर्जुन, मेरी, वैसे इसका अर्थ है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म की, मुझ ब्रह्म, अच्छा वैसे इनका अनुवाद पढ़ते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ। इस जड़ और तत्व माने उससे, उसके संयोग से, इन उस जड़ चेतन से, उसके संयोग से सभी प्राणियों की भूतों की उत्पत्ति होती है। अब चौथे में क्या कहा है, अर्जुन नाना प्रकार के की सभी योनियों में, जितने भी ये कुत्ते गधे सूअर की योनियां हैं, जितने भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं प्रकृति यानी दुर्गा, उन सब की गर्भ धारण वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। पांचवें में, हे अर्जुन, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न, ये दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब काल अपने आप बरी होना चाहता है कि मैं नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही तुम्हें यहाँ कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं। जैसा आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 3 और 4 में देख सुना कि उसमें भी ये काल कहता है कि ये तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी ही सभी प्राणियों के कर्मानुबंधनी कर्मा के अनुसार बंधन करने के मूल कारण है, ये तुम्हें यहाँ फंसाए रखते हैं। और परमेश्वर क्या बताते हैं कबीर जी कि नहीं, ये काल तुम्हें बहका रहा है, ये सब ने मिलकर ही इन तुमको इन सभी ने मिलकर आपको यहाँ फंसा रखा है। क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इस काल को धर्मराय भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप को कहता मैं धर्म का राज करता हूँ, जो जैसा करता उसका वैसा ही फल देता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लहिए। परमात्मा कहते हैं गरीबदास जी को ज्ञान दिया, गरीबदास जी परमेश्वर की महिमा प्रकट कर रहे हैं अपनी वाणी में, जैसा कि कबीर सागर में आपने देखा कि कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास पंथ होगा और उसका प्रवर्तक होगा वो 1774 में उसका जन्म होगा, उसमें 75 गलती से लिखा है कबीर सागर में, और उससे मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। लेकिन वो गरीबदास पंथ वाले भी उस वाणी को नहीं समझ सकेंगे, फिर 12वें पंथ में चल के हम ही आएंगे और फिर उस वाणी को निर्णय करके समझाएंगे, सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। तो ये परमेश्वर की महिमा की वाणी गरीबदास जी ने प्रकट की है कि कबीर जी क्या बताना चाहते हैं, क्या बताते हैं कबीर जी, इन पांचों मिल जीव अटकाए युगन युगन हम आण छुटाए, इन पांचों ने मिलकर तुम्हें यहां फंसा रखा है, और युग युग प्रत्येक युग में आके हम ही छुड़वाते हैं तुम्हारे को इनसे,
सत भक्ति करवा के, सच्चा ज्ञान दे के, तुम्हारा विश्वास दृढ़ करा के और सतलोक ले जाते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्तिर ठामम। कबीर परमेश्वर कहते हैं बंदी छोड़ है मेरा नाम, यानी बंद छुड़वाने वाले, और हमारा स्थान सतलोक अजर अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो शाश्वतम स्थानम, वो सनातन परम धाम है जो हमारा वास्तविक स्थान है। अब इनकी महिमा क्या बताते हैं, पीर पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एत्या क्यों तो राह ना पाया यजम कह बंधे प्राणी। ये बंदी छोड़, अब ये है ये सूक्ष्म वेद, इस सुख यानी सचिदानंद घन की वाणी, इसके एक श्लोक को अनुवाद करने के लिए पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, इत्या को तो राह ना पाया ये काल के बंधे प्राणी। इनको तो तत्व ज्ञान नहीं मिला, ना देवताओं को, ना ऋषियों को, ना महर्षियों को, इनको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं था, इसलिए ये काल की ही डोर से बंधे रहे। परमेश्वर कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी, ये काल की डोर के बंध रहे, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं है। और पुण्यात्मा यहाँ एक बात समस्या आ जाती है कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश और देव ऋषियों ने किसी को ज्ञान नहीं था? हाँ, किसी को ज्ञान नहीं था। अब या फिर कुनीन होगी या अलग उतरा, अलग में उतरे नहीं, हमारे दिमाग में स्वीकार्य नहीं हो, गले नहीं उतरेगी, लेकिन यह उतारेंगे गले, गला गले उतरे अंदर जाए बिना दवाई काम नहीं करे, अगर ऊपर रहेगी तो इसके लिए फिर आपको प्रमाण दिखाना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, प्रत्येक सत्संग में, ये सत्संग कहो या लेक्चर कहो या क्लास कहो, ये पीरियड कहो, ये प्रत्येक पीरियड में यहाँ एक सामूहिक सत्संग सतल है। क्या होता है कि जैसे ये चार दिन का हम लगातार इसलिए करते हैं कि एक परिवार में 5-6 सदस्य हैं, तो 2 आ जाते हैं पहले दिन, वो चले जाते हैं सत्संग एक सुनकर, दिन दिन का मान ले, फिर शाम में दूसरे आ जाते हैं, आसपास हैं तो यहाँ आसपास का ऐसा है, और फिर तीसरे आ जाते हैं अगले दिन, तो ऐसे वो अपना तीनों दिनों में टर्न वाइज सारे लाभ उठा ले जाते हैं। तो इसलिए दास चाहता है कि रह रहकर ये रेग मार बार बार मारा जाता कि सब काम वैल उतर जा, और जो पुण्यात्मा बार बार सुनते हैं प्रभु की महिमा, चाहे 1,000,000 बार सुन ले तो बार भी आनंद आना चाहिए। यदि आपको आनंद नहीं आ रहा कि तो कल सुनी थी आज भी फिर सुना रहे हैं गुरु जी, तो आप अस्वस्थ हैं, आप अभी भक्ति योग नहीं हुए हो। जैसे व्यक्ति को बुखार हो जाता मलेरिया, उसको रोटी भी कड़वी लगती है, मनुखा दाख भी कड़वी लगती है, और उसका इलाज क्या है, कड़वी लग गए हैं तो कुनीन कड़वी खानी पड़ेगी, फिर वो स्वस्थ होगा, और स्वस्थ होने के बाद फिर वो सूखी रोटी भी उसको मीठी लगेगी। ऐसे ही जो व्यक्ति पहली बार सत्संग सुनता है उसको ये ज्ञान अटपटा सा लगता, पर सुनता रहे, फांकी मार इसकी ना चाहते हुए, जैसे गोली ना चाहते हुए भी गटक जाया करें, ना चाहते हुए सुनते रहना इस ज्ञान को, ये कानों के माध्यम से आपके पेट में जाएगी कुनीन, और फिर साफ कर देगी अंदर से, जिससे आपको कड़वापन था। अब दिखाते हैं कि ना ब्रह्मा सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एत्या को तो रा ना पाया यजम कह बंधे प्राणी। ये वाणी परमात्मा की, अब इस वाणी को सिद्ध करना अति आवश्यक है, नहीं तो कोई भी नहीं मानेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुर माने देवता है, इन देवताओं को ज्ञान नहीं था, और इन मुनियों को ब्राह्मणों को कोई ज्ञान नहीं था, ऋषियों को तत्व बिल्कुल भी, ABC ये तो वेद ज्ञान था ही नहीं इनको। अब ये सिद्ध करेंगे अपने सदग्रंथ श्री मद देवी भागवत देखिए। तो पुण्यात्मा, इस जितनी बार भी आप सत्संग सुन रहे हो, और आपको प्रत्येक जितनी बार भी बरह रह कर जो बार बार रिपीट भी की जाती है तो भी अच्छी लगती है, तो आप स्वस्थ हो। जैसे सुबह रोटी खाई आपने और शाम ने फिर आपकी रुचि रोटी भोजन में है तो आप स्वस्थ हो, यदि अरुचि है तो आप अस्वस्थ हो, लिए वो कड़वी दवाई फिर खाओ। कहने का भाव ये है कि ये मान लिया आपको लगता है गुरु जी ने कल भी दिखाई थी, परसों भी दिखाई थी, ऐसा मन में आता है तो आप अभी अस्वस्थ हैं, पर फिर सुन इस कड़वी दवाई ने खाता ही रहे
अरुचि से भी सुनता रहे ये रोग ऐसे ही कट जाएगा। फिर आपको 100 बार सुननी पड़े, 100 बार अच्छी लगेगी। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। पहला स्कंद पृष्ठ नंबर 28 पे और संक्षिप्त देवी भागवत नारद जी और व्यास की वार्ता हो रही है। यहां देखिएगा नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। यहां देखना ये वे चराचर जगत के आश्रय दाता जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष जगत के स्वामी भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हो भी समाधि लगाए बैठे हैं। तो विष्णु जी क्या बोले? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी ने ये उत्तर दिया ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सभी यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर सहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी विद्वान अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और सहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने में तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता हूँ, सृष्टि करने का अवसर आती जाग जाता हूँ, मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। इस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता, कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ, कभी अखल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर क्या कहते हैं, अब यहाँ तोड़ पाड़ दिया विष्णु जी ने अपने ज्ञान का, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा से बढ़कर और कोई देवता नहीं, कोई और भगवान को नहीं। ओ तेरा गजरी। अब आगे परमात्मा की वो वाणी, स्वर्ण नर मुनि जन 33 करोड़ी ये बंधे सभी काल की डोरी। इन ब्रह्म तक का भी ज्ञान कोई ना, वेदों का भी ज्ञान नहीं विष्णु जी को ना ब्रह्मा जी को। अब देख दुर्गा क्या बताती है, ये कहता है कि मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, देव नहीं मानता। और देवी क्या कहती है कि ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, सब बातें छोड़ दो। बता भाई अभी न कित तर हो है। आप 562 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं श्री 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी पुराण देवी भागवत 562। अब देवी बता रही है, हिमालय को ज्ञान उपदेश दे रही है, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। पहले तो ये अपनी अटकला है कि मेरा ऐसी भक्ति करो, फिर कहती वो ब्रह्म कैसा है वो बताती हूँ। श्री देवी
जी कहने लगी है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है ऐसा तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है वह सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह वह यह सब परम सत्य ये परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र धनुष लेकर उस पर उस उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भानुगुप्त चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। या मैं मत बताओ है और भगवान अविनाशी परमात्मा की मंत्र बता रही है ओम परवण माने ओम धनुष है जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र ब्रह्म को ही जाने दूसरी सब बातें छोड़ दे यानी ना मेरी पूजा करना ना किसी और की केवल ब्रह्म उपासना करें यही अमृत रूप से परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। यहां देखो इस आत्मा का ओम के जप के साथ परमात्मा लिखना था यहां पर इस परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार सागर समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे तुम्हारा कल्याण हो। और यहां वो क्या कह रही है वह यह शब का परमात्मा आत्मा ब्रह्म ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में रहता है वहां स्थित है। अपना आत्मा अब इन सतयुग के ब्राह्मणों का मुनियों का ज्ञान और देख लेते हैं 414 पृष्ठ परमात्मा की एक वाणी इतना ज्ञान फैला दिया इन लोगों ने कि परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए ये इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं इस दास को। जब आपका नू यकीन होता है कि सचमुच कबीर जी की वाणी सच्ची है छठा अध्याय और संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ जनमेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले व्यास जी कह रहे हैं जो वेदों के राइटर हैं और गीता के और पुराणों के राजन ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी जय हो और वे भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। वाह रे वाह यालिया और सतयुग के ब्राह्मणा का और वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे और दुर्गा कह रही है वो तो ओम का जाप करो बाकी सब छोड़ दो और वेद यही कह रहे हैं और गीता यही कह रही है गीता जी कि वो खुद कहता है कि मेरा तो ओम मंत्र है और कोई देवता की पूजा मत करो किसी देव की पूजा मत करो यदि तुम्हें कल्याण चाहिए। अब ये तो सतयुग के ब्राह्मणा का ज्ञान है और कलियुग के ब्राह्मण तो राक्षस बताए हैं कि जो कल सतयुग में राक्षस होते थे उस कैटेगरी के कलियुग के ब्राह्मण हैं। अब दास नहीं करा यहाँ देखो यही छठा स्कंद यही 414 पृष्ठ पे आप पढ़ रहे थे बिल्कुल इसी पृष्ठ पे यहाँ देखें धर्म की ये सतीजी त्रेता युग में रही परंतु कुछ हरास हो गया सतयुग की जो सतीति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता में और जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में यानी कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं दूसरों को ठगना झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अब इनका तो कहना है कि भैया तो स्पष्ट होगी अब सतयुग वालों की पोल पैटगी वह दुर्गा की पूजा करें दुर्गा का ब्रह्म पूजा करो और ब्रह्म का वह परम पूर्ण ब्रह्म की पूजा करो उसके लिए कोई तत्वदर्शी संत की खोज करो। बोलो सतगुरुदेव परमेश्वर
कबीर बंदी छोड़ जी, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वसृष्टि रचनहार है, ये कुल के मालिक है। ये परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं के लिए अपने सतलोक से चलकर आते हैं और वरिष्ठ यानी अच्छी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं, उनको मिलकर के अपना ज्ञान समझाते हैं, फिर वो पुण्यात्माएं परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित होकर के उस परमेश्वर के गुणगान ढोल के डंके पर गाते हैं। परमेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं कबीर जी, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, ईरे माणिक मोती बरस ये चग चुगता ढेल रे। के चारों युग में मेरे संतों ने भी आवाज लगाई मेरे द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान की, और मैंने भी आकर के ऊंची आवाज लगा लगा के अपनी प्यारी आत्माओं को संबोधित किया। और यही वेद बताते हैं कि वह परमात्मा अपने तत्व ज्ञान के प्रचार हेतु सतलोक से चलकर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं उनको आकर मिलता है, उनको फिर अपनी यथार्थता से परिचित कराता है, सतलोक के दर्शन करवाता है, फिर वो पुण्यात्मा उस परमेश्वर की पक्की गवाह बन जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी है, ये चारों वेद उगाहा, चारों वेद गवाह है, और वो आंखों देखे जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति हुई, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, वो संत परमात्मा कबीर जी के गवाह हैं। सदग्रंथ जो बताते हैं वही परिभाषा, वही लक्षण आंखों देखा संत बताते हैं, वो संत जिन्होंने वेदों को पढ़ा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, सुना तो उल्टा ही था लेकिन पढ़ा भी नहीं था, और जो उल्टा सुन रखा था उसके लिए उन्होंने संघर्ष भी किया, अपनी अमृतवाणी बोली, परमात्मा के साक्षात्कार के पश्चात जो उनका अनुभव था उन्होंने अपने अनुभव की वाणी यथार्थ रूप में प्रकट की। ये जो 5 दिवसीय सम्मेलन है, सत्संग है, ये धार्मिक अनुष्ठान जो चल रहा है ये इसी खुशी में है कि फाल्गुन मास की द्वादशी को, फाल्गुन मास की द्वादशी को सुदी को यानी फाल्गुन उत्तरते की द्वादशी को पूर्ण परमात्मा कबीर देव जो बनारस में जुलाहे की भूमिका करके सन 1518 में चले गए थे सहशरीर सतलोक में, उसके बाद वो सन 1727 में, सन 1727 में हरियाणा प्रांत जिला जज्जर गांव छुड़ानी के खेतों में संत गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक को सहशरीर आकर के मिले, एक महात्मा के रूप में उनको मिले थे। ये दिन विशेष पर्व के रूप में हम सभी परमेश्वर अनुयायियों ने मनाना चाहिए, और इसके उपलक्ष में अधिक से अधिक भक्तों ने यहाँ आश्रम में आकर के इस अमृत ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्यौहार है कि वो परमात्मा यहाँ आए, अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को अपने ज्ञान से ओतप्रोत किया और उनको सचखंड में लेकर गए सत्यलोक में।
और वहाँ से फिर उनको छोड़ा। पूरा ज्ञान आँखों देखा, जो गरीबदास साहिब जी ने आँखों देखा परमेश्वर कबीर जी की महिमा, उनकी शक्ति, और फिर आँखों देखा ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी, आँखों देखा ये ब्रह्म पर ब्रह्म कहाँ रहता है, ये काल की क्या स्थिति है। तो वो जो का तू आँखों देखा लिखा है परमात्मा। गरीबदास साहिब जी कहते हैं, हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच, हमने जो देखा वो सत्य है, बाकी जो बोल रहे हैं ये सब झूठ बोलते हैं, बनावटी बातें हैं। और आज ये बात सिद्ध हो रही है। पुण्यात्मा, सबसे पहले हमने परमात्मा के विषय में ये जानकारी प्राप्त करनी है कि कौन है वो प्रभु और कहाँ रहता है वो मालिक, और उसको कैसे पाया जा सकता है, उसकी क्या स्थिति है, वो साकार है वा निराकार। तो उससे हमने कैसे ये निर्णय करें, कोई कहता परमात्मा साकार है तो साकार रूप में क्या बताते हैं कि जैसे ये सारी पृथ्वी ब्रह्मांड जो भी है ये परमात्मा का ही रूप है, ये साकार बताते हैं, और वैसे परमात्मा को निराकार बताते हैं। ये तो घेसी पुटी थूरी थी, ये तो बनावटी बातें थी, ये कोई बात हुई। कहते साकार रूप में यही परमात्मा है। अब जैसे आपको सृष्टि रचना सुनाई थी, सृष्टि रचना में ये विस्तार से आपको बताया गया, और अन्य संतों ने क्या बताया है, जैसे राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ सिरसा वाले और जगमाल वाले मथुरा वाले, ये जय गुरुदेव वाले, ये सारे एक कुएं का पानी है, ये एक ही कुएं का जल है, इसमें कोई अंतर नहीं। वही इनका ज्ञान घिसा पिटा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और वही इनके मंत्र और सृष्टि रचना इनकी सुन ले तो कहना है क्या है। इन्होंने बताया है कि पहले परमात्मा अकेले थे, निराकार था, और फिर परमात्मा साकार हुए तो ऊपर के तीन चेतन मंडल बन गए, चार चेतन मंडल बन गए। परमात्मा जब साकार में आया तो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकहलोक, ये बन गया भगवान, ये पत्थर बन गया यानी पृथ्वी बन गया, ये सब ऊपर घूम रहे हैं जो ग्रह पर है, यो कहते यो भगवान ऐसे बन गया। अरे तेरा गजब, ये भगवान अलग चीज है, ये पत्थर अलग चीज है, ये पृथ्वी ये तो अलग चीज है। इनकी जो द्वारा दिया गया ये क्या नाम है, सृष्टि रचना का ज्ञान तो ऐसा है, एक समय एक कैंडिडेट इंटरव्यू देने गया, साक्षात्कार के लिए गया, तो इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आपने महाभारत पढ़ा है, वो स्टूडेंट वो कैंडिडेट कहता है कि जी खूब पढ़ रखा है महाभारत की कथा, मैंने खूब उंगलियों पर याद है मेरे को। तो इंटरव्यू लेने वाले ने, साक्षात्कार लेने वाले ने कहा कि पांचों पांडवों के नाम बताओ। उसने बताया कि एक सी भीम, भीम एक सी भीम, एक ओदा बड़ा भरा, एक ओ तू छोटा सी, एक होर सी तो एक दा नाम भूल गया। तो ये उसने महाभारत के पांचों पांडव सुना दिए। अरे पेरेडे, तो ऐसे इन संतों की कथा है, सृष्टि रचना पढ़ के देखिए, धन धन सतगुरु वाले की, राधा स्वामी वाले की, कि तो सर पैर भी नहीं गया इन व्यक्तियों को, और करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह कर दिया, भोली आत्माओं श्रद्धालुओं को। वह तो श्रद्धा करके जाते हैं, बोर्ड लगा हुआ है भाई MBBS डॉक्टर, और भोली आत्मा जाते हैं डॉक्टर समझ गए, मरीज ने क्या पता है डॉक्टर है कि नहीं, और वहाँ वो गलत मेडिसिन देकर सबका जीवन बर्बाद कर दिया। डॉक्टर की दवाई को डॉक्टर ही बता सके, तो ये दास भी डॉक्टर बन गया इस आध्यात्मिक मार्ग का। अब इन सब डॉक्टरों की जब देखी कि इन्होंने कौन सी दवाइयाँ बना रखी हैं, सारी नकली,
कोई सी भी जन्म मरण के रोग का टंकी को ना। पुणात्माओं, ये दास ढोल के डंके पर कहता है और सबके पास संदेश भेज दिया हमने कि तुम्हारा ज्ञान गलत है और तुम गलत मार्गदर्शन कर रहे हो, लेकिन कोई नहीं चल सकता। हाँ, गाली जरूर दे दे, नकल झूठ, वो तो निंदा करता है। रामपाल तो सिरफरा व्यक्ति है, सबकी आलोचना करता है, आलोचना नहीं करते संत। जो आलोचना और निंदा करे वो तो नीच आत्मा होता है, और संत का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है, खरी खरी कहे और सच्चाई बताओ। जो हमारे परमात्मा ने, कबीर जी ने भी यही किया था और वही आदेश इस दास के लिए हो चुका है। ये दास भी अंतिम श्वास तक यही सच्चाई बयां करेगा जिससे मानव समाज का उद्धार होगा और पूरे विश्व में ये ज्ञान जाएगा, क्योंकि ये तौब का गोला है। ये ऐसा ज्ञान है इसके सामने कोई नहीं टिक सकता, चाहे कितनी बात बनाता हो और चाहे करोड़ शिष्यों ने गुमराह करे बैठे हो। पुण्यात्मा एक बार समझी और समझी बस, क्योंकि अभी तक सभी के अंदर ये श्रद्धा है, ये आस्था है कि गुरुजी जो ज्ञान देते हैं वो फाइनल होता है। फिर एक इन्होंने थ्योरी बना रखी है, गुरुजी कोई भी नाम दे दे वही मंत्र काम करेगा। कोई बात हुई, फिर इतने बड़े ग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता थी प्रभु ने, इतनी बड़ी बड़ी अपनी वाणियां लिखने की क्या आवश्यकता थी संतों ने। दो अक्षर लिख जाते भाई, संत जो भी कहे वो नाम जप लियो तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं, कहते हैं कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतने पार। निज नाम, सत नाम, खास नाम, विशेष नाम जो परमात्मा पाने का है उसी से मोक्ष होगा। पवित्र गीता जी में अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। तो नहीं तो इसमें कुछ भी लिख, गीता में भी लिख देते भगवान भाई कुछ भी नाम जपो, संत दो दे दे वही जाप कर लेना। ये खास संकेत उधर से ये भी कहा है कि तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। फिर उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, और फिर साथ में संकेत भी कर दिया कि वो संत ओम तत् सत केवल 3 मंत्र का जाप है वो देता है, तो तत्वदर्शी संत है, नाती नकली है। यह संकेत इसलिए देना पड़ा कि कोई नो कह देवे तत्वदर्शी संत कुछ भी नाम दे दे फिर नहीं। ये संकेत इसलिए करना पड़ा कि कोई मनमुखी बहाने बना करके कुछ भी नाम देने लग जाए वो ठीक नहीं। परमेश्वर कबीर जी सन 1398 विक्रमी संवत 1455 में सतलोक से चलकर आए और एक कमल के फूल पर काशी शहर में लहर तारा नामक एक कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे जो महर्षि रामानंद स्वामी जी के शिष्य थे।